सीताराम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम की, विदिशा वालों की। महाराज जी के चरणों में पहले प्रणाम। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम करे वही संत। लेकिन आज अपन पे भी संतों की बड़ी कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। कृपा है तभी तो संतों का संग मिला है। हम भी कम नहीं है, कृपा है आपका विदिशा की इस पवित्र धरती पर, क्योंकि विदिशा मेरी कर्म भूमि रही है, आज भी है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए और प्रणाम कीजिए। भक्ति रस की गंगा बह रही है, चारों तरफ आनंद बरस रहा है। और मैं भी सोच रहा था कि शिवराज जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है रे, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा, तो आप जैसे संतों ने कहा कि पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। व्यासपीठ पे बैठ के आप ज्ञान की गंगा को बहा रहे हैं। जो ज्ञान मार्गी होते हैं आप जैसे, वो तो भगवान ही होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन महाराज जी, अब जनता तो पूरी ज्ञान मार्गी हो नहीं सकती, तो इनको भगवान से मिलना तो क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का अनुगामी भगवान की भक्ति में पागल होता है। कोई पिता मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई सखा मानता है, और कोई कोई तो मीरा की तरह पति मान लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महल में रहती मीरा, नाचती गाती, महल वालों ने कहा मीरा तुझे लज्जा नहीं आती, तो मीरों ने कहा, मीरा ने कहा संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। जैसे मीरा भक्त, जैसे बजरंग बली, आहा पवन सुत हनुमान। एक बार सीता मैया का दरबार लगा था, भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामचंद्र जी का दरबार में रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान थे। भरत शत्रुघ्न अंगद नल नील जामवंत द्विविध सबके सब बैठे थे। अचानक सीता माता बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र परम प्रिय है, लेकिन पुत्रों में भी हनुमान जी का जवाब नहीं, पवन पुत्र का जवाब नहीं, ये तो अद्भुत है। ये कह के सीता जी ने, कहते हैं, गले से एक मोतियों की माला निकाली और कहा कि बजरंग ये मोतियों की माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये माला मैं तुझे भेंट करती हूं। ये कह के माला हनुमान जी की गोद में डाल दी। अब बजरंग बली ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर तोड़ दी। तोड़ के माला का एक मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला तोड़ा देखा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। दरबार आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया, सीता जी ने इतने प्रेम से मोतियों की माला दी और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी भी बोली कि बेटा ये मोतियों की माला तू तोड़ के क्यों फेंक रहा है। तो बजरंग बोले मैया तू भी झूठ बोलती है। सब चकित कि सीता जी से कह रहे हैं बजरंग कि मैया तू भी झूठ बोलती है। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला। बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। तो सीता जी फिर बोली कि हाँ बेटा ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, बोले मैया फिर झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते, ना कहीं मैया सीता दिखाई देती। एक खड़े हो गए दरबार में कि बजरंग तुम केवल उसी चीज से प्रेम करते हो,
जिसमें भगवान राम और सीता हो? बोले हाँ। तो बोले बताओ तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, तो मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में राम और सीता कहाँ हैं? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया, और सारे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान थे। ये भक्ति मार्ग महाराज जी, इस पे जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग भी अगर कोई के बस को नहीं है तो भैया हम सही कह रहे हैं, कर्म मार्गी बन जाओ। जो काम भगवान ने तय कर दिया वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो। मास्टर है ढंग से पढ़ाओ, भगवान मिल जाएंगे। डॉक्टर है तो अच्छे से इलाज कर दो, गरीबों से भी पैसा मत लो, भगवान मिल जाएंगे। कर्मचारी हो तो रिश्वत मत खाओ, और नेता हो तो हवाला घोटाला बेईमानी मत करो, तो भगवान मिल जाएंगे, सीधे सीधे भगवान मिल जाएंगे। और ये कर्म मार्ग ही है जो मुझे कहता है कि बेटा बेटी में भेद हो रहा है, बेटा ज्यादा पैदा हो गए, बेटी कम पैदा हो रही है। क्यों महाराज जी? कई लोगों ने कोख को कतल खाना बना दिया। चाहिए तो कौन? बेटा चाहिए, भैया चाहिए, कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि लठ देगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। और इसलिए महाराज जी आपने राजनीति की बात कही थी, इसलिए लाडली लक्ष्मी बनी, इसलिए कन्या विवाह बनी कि बेटी को बोझ मत मानो, वरदान मानो। और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी मैंने बनाई, बहनों के साथ अन्याय मत करो। ना हमने गांव में देखा पति पत्नी की लड़ाई हुई, पति ने उठाया थप्पड़ दिया कि चल निकल घर से, तेरा घर है, कभी लठ मार दिया, ये पाप था, ये अन्याय था। और आपके आशीर्वाद से माँ बहन और बेटियों के साथ अन्याय खत्म करके चैन की सांस लेंगे। मेरी बहनें तरह जाती थी, अगर बेटा बेटी मांग ले 100 रुपया दे दो मम्मी, माँ माँ कुछ दिला दो, तो है ही नहीं पैसा। पति देव से मांगे तो जब देखो तब पैसे ही मांगत रहे, चल नहीं है मेरे पास, कभी मायके जाना है तो पैसा नहीं है। और इसलिए महाराज जी आपकी कृपा से तय किया कि हर गरीब बहन निम्न मध्यम वर्ग परिवार की बहन के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, ताकि मेरी बहन मोहताज ना रहे। मैं इस पर विस्तार से बात नहीं, लेकिन ये धर्म नीति भी है और ये राजनीति भी है, और सचमुच में यही जनता के परम कल्याण का मार्ग है। तो मैं तो इस मार्ग में लगा हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब आपकी कृपा से जनता को ठीक दिशा में सुखी करने का प्रयत्न करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। अब बताओ, दारू की बोतल खरीदी दुकान से, आहाते में बैठ के पी रहे हैं, तो जा साल महाराज जी हमने सब आहाते बंद कर दे कि कोई दारू का आहाता नहीं होगा। दुराचारी अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि उसको सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। तो उसी धर्म के मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं, और उसी रास्ते आप मिल गए, भगवान भी मिल जाए, यही कामना है। बस इतनी ही बात करूंगा। भजन गाने है? अरे गाना है क्या? सब गाएंगे साथ? तो दादी माँ हमारी गाती, हम भी बुंदेलखंडी जैसे हैं। दादी माँ बचपन में गात थी तो हमने याद कर लो। अब गरो मरो तो हमरो बहुत ही खराब है, फटे बांस जैसे हो रहो, भाषण दे दे के। लेकिन मुख्यमंत्री और महाराज जी ने कह दी तो सुन लोगे आप, लेकिन महाराज जी संग देना पड़ेगा क्योंकि अरे राम भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है
मस्त गल जाई जपुरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई ये जीवन दो दिन राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई ये जीवन है कागज की नैया कागज की नैया जीवन है कागज की नैया कागज की नैया ये जीवन है कागज की नैया कागज की नैया उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बागेश्वर धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो भारत माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव धर्म की सनातन धर्म की पताका उठा के ऐसे ही चलते रहिए महाराज जी प्रणाम।